वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारियो, भाई साहब भाई गुरदास जी का कथन है, कल तारण गुरु नानक आया। कलयुगी जीवां दा उधार करदे करदे गुरु नानक साहिब जी हुण तक पंज तीर्थां दा भ्रमण कर चुके सन, जिन्हां विच हरिद्वार, अयोध्या, प्रयाग, बनारस ते गया। गया तो अगां अगला तीरथ सी जगन्नाथ दा मंदर, उड़ीसा प्रांत विच समुंदर दे कंडे पुरी नगर विच। पर सिद्धे जगन्नाथ पुरी वल जाण दे थां सतगुरु जी ने कामरूप देश दा रुख कीता। कामरूप नूं अजकल असी आसाम आखदे हां। आसाम विच भूटान दी सरहद उत्ते कामरूप एक जिला है। उस दे आस पास दे इलाके नूं वी कामरूप ही आख्या जांदा है। इस देश विच कामाख्या देवी दा अस्थान है। पुराने समें ये देश जंतर मंत्र टूणे आदकां लई बड़ा बदनाम सी। इसका प्रधान नगर गुवाहाटी है। आसाम विच पर्वत धारा बहुत हन, जिथे वख वख कबीले वसदे हन। जार जोरू जमीन की मलकीयत की खातर इन्हां कबीलिया के परस्पर वैर विरोध बहुत सन। यही इलाका सी वाम मार्ग का गढ़, ते इत्थे ही गवांडी कबीलिया के बंदियां दा शिकार खेड के फखर करन दा रिवाज। इस अत दर्जे की नीवी मनुखता वलों सतगुरु नानक देव जी बेपरवाही नहीं कर सकते सन। गिरावट दे अत डूंगे टोए विच पए उन्हां लोकां नूं मनुखा जीवन की कदर सिखाउण लई सतगुरु जी ने गया तो गुवाहाटी का रुख किया। सन 1509 का अप्रैल महीना सी। गया तो जगन्नाथपुरी 400 मील है। गुवाहाटी वालों आउण नाल 800 मील के करीब पेंडा वधीक हो गया। पेंडा भी बिखड़ा, लोग भी कई थाई निर्दई मानस खाने अते अत दर्जे दे गिरे आचरण वाले सन। गुरु नानक साहिब जी ने पंजाब तो चल के भारत दे धुर दक्षण तक सफर किया। धार्मिक भुलेखिया के कारण जिथे जिथे जो जो कुरीतियां सन लोकां नूं उन्हां तों वरत्या। पर भारत दे वख वख प्रांतां दीआं जिथे सभ्यतावां, रहन सहन अते बहुत कुछ वखरा सी, उत्थे बोलियां दा वी वखरेवां वेखण नूं मिलदा। गुरु नानक देव जी बंगाल, आसाम, मद्रास, बंबई आदिक प्रांतां विच जा के उन्हां लोकां नूं अपने ख्याल दसदे रहे, क्योंकि सारे भारत विच वख वख बोलियां हुंदियां होयां वी संत भाखा एक ऐसी भाखा सी जो हरेक प्रांत विच माड़ी मोटी समझी जा सकदी सी। हिमालिया पर्बत दे रहण वाले गोरख आदि पंजाबी जोगी सारे भारत विच ही चक्कर लाउंदे रहिंदे सन, ते लोकां नूं अपने मत दीआं गल्लां दसदे सन। ये संत भाखा ही वसीला सी। गुरु नानक देव जी की पहली उदासी हिंदू तीर्थां वल सी। पुरबां धार्मिक मेलियां समें तीर्थां ते पहुँचदे सन। दो दो ढाई ढाई तीन तीन मील ही रोज़ाना पेंडा करदे सन। रस्ते विच तकरीबन हरेक पिंड विच उन्हां दा एक एक दिन दा विश्राम हुंदा। जदों कीर्तन दे खिच्चे लोग उन्हां पास पहुँचदे हन तां कीर्तन दी समाप्ति ते उन्हां दे शक्कां दे प्रश्नां दे उत्तर दे दे के उन्हां नूं जीवन दा सही रस्ता दसदे रहे। बोली अचनचेत तां किते बदल ही नहीं जांदी, सहजे सहजे नवें नवें लफज ज्यों ज्यों सुनन दा अवसर बनदा गया। गुरु नानक साहिब जी नूं नवीं बोली समझण ते बोलण दा अभ्यास हुंदा गया। सधारण सभ्य जनता दे दृष्टिकोण तों वाम मार्गी लोग भावें आचरण दे अत नीवें दर्जे ते हन, पर ओह वी जो करदे हन अपने मिथे हुए धर्म दी ओट विच ही करदे हन। वाम मार्ग अनुसार उन्हां लोकां दा सब तों श्रेष्ठ दिहाड़ा कत्तक दी मस्या भाव दिवाली हुंदा है, जिस मौके ते इकट्ठे हो के
ਉਹ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਹਾਟੀ ਦਾ ਯੋਨੀ ਪੀਠ ਮੰਦਰ ਵਾਮ ਮਾਰਗੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਹਾਟੀ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਚੇਤ ਸੁਦੀ 7 ਸੰਮਤ 1566 ਪਹਿਲੀ ਵਿਸਾਖ 27 ਮਾਰਚ ਸੰਨ 1509 ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਸ ਸਾਲ ਕੱਤਕ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੀ। ਗਿਆ ਤੋਂ ਗੁਹਾਟੀ ਦਾ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਮੀਲ ਹੈ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਵਲੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਰਲਾ ਕੇ 600 ਮੀਲ ਦਾ ਪੰਧ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 200 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਉਣਾ ਸੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 300 ਮੀਲ ਪੈਂਡਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਗਰ ਪਟਨਾ, ਹਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਮੁੰਗੇਰ, ਭਾਗਲਪੁਰ ਆਦਿ ਉੱਘੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਰਬਤੀਪੁਰ, ਰੰਗਪੁਰ, ਲਾਲ ਮਨੀਰ, ਹੱਟ ਆਦਿਕ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਸਾਮ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਧੋਬਰੀ ਨਗਰ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਧੋਬਰੀ ਵੱਲ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਯੋਨੀ ਪੀਠ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਮਦੀਰਾ, ਮਾਸ ਆਦਿਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵਧੀਕ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ। ਧੋਬਰੀ ਤੋਂ ਗੁਹਾਟੀ ਠੀਕ ਪੂਰਬ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ 110 ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਧੋਬਰੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਖੱਬੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ। ਧੋਬਰੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਹਿਣ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਪਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 9ਵੀਂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਧੋਬਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 2 ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਣਵਾਇਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਤਮਕ ਖੁਰਾਕ ਸੀ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਰ ਥਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਹਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਗ ਦੇ ਖਿੱਚੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹੀ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ, ਆਸਾਮ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਵਾਮ ਮਾਰਗੀ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦੀਰਾ, ਮਾਸ, ਮੈਥੁਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਆਚਰਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਦੀਰਾ ਮਾਸ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ। ਖਾਓ ਪੀਓ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟੋ ਵਾਲੀ ਅੱਤ ਗਿਰਾਵਟ ਭਰੀ ਰੁਚੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਧੋਬੜੀ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਪਾਸੇ ਗਾਰੋ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧੋਬੜੀ ਜਾਂ ਗੁਹਾਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਹਾਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪੂਰਬ ਪਾਸੇ ਮਣੀਪੁਰ, ਕੋਹੀਮਾ ਆਦਿਕ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਇੰਫਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੋਂ ਪੱਛਮ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਕੇ ਸਿਲਚਰ, ਕਰੀਮਗੰਜ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਸਿਲਹਟ ਅਪੜੇ। ਸਿਲਹਟ ਇੰਫਲ ਤੋਂ 140 ਕੁ ਮੀਲ ਠੀਕ ਪੱਛਮ ਪਾਸੇ ਸੁਰਮਾ ਨਦੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਮ ਮਾਰਗੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ। ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਦਰ ਹੁਣ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਢਾਕਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਕੇ ਦੀ ਮਲਮਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਰੀਕ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ। ਢਾਕਾ ਬੁੱਢੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਖੱਬੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਲਹਟ ਤੋਂ 125 ਮੀਲ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ 150 ਮੀਲ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹੈ।
ढाके विच ढाकेश्वरी दुर्गा दा मंदिर प्रसिद्ध है। ढाकेश्वरी दा अर्थ है ढाके दी राखी करन वाली। सिलहट तों गोरीपुर दे रस्ते गुरु नानक साहिब जी ढाके पहुँचे। उत्थे उन्हां दे आगमन दी याद करौंदा गुरद्वारा चरण पादुका नाम ते प्रसिद्ध है, जिस पोथी विच गुरु नानक साहिब जी ने श्रोमणी भगत कबीर जी, रविदास जी, रामानंद जी, सैन जी इत्यादिक भगतां दी बाणी नूं दर्ज कीता है। उस पोथी विच भगत जयदेव जी दी बाणी नूं भी दर्ज कीता। जयदेव जी जात दे ब्राह्मण सन। इन्हां दा पिता भोजदेव कनौज दा रहण वाला सी। इह शहर कानपुर तों उत्तर पछम पासे 45 मीलां दी विथ ते छोटी लाइन दा स्टेशन है। जयदेव जी दा जन्म बंगाल दे ज़िला वीरभूम दे नगर केंदुली विच होया सी। इह पहला कृष्ण जी दे उपाशक सन। संस्कृत अते प्राकृत दे प्रसिद्ध विद्वान सन। इन्हां दी रची हुई पुस्तक गीत गोबिंद बड़ी ही मनोहर है। जयदेव जी राग विद्या देवी बहुत प्रेमी सन। अपनी इस्त्री पद्मावती नाल मिलके बड़ी मिठी सुर विच अपने रचे पदे गाया करदे सन। तत्व वेता साधुआं दी संगत दी बरकत नाल जयदेव जी परमात्मा दे अनन भगत बन गए। फिर इह सारी उम्र इह प्रचार करदे रहे कि योग जग दान तप आदिक मनुखा जन्म नूं उच्चा नहीं कर सकदे। एक परमात्मा दा भजन ही है जो मनुख नूं विकारां तों बचा सकदा है। इह बंगाल विच बड़े प्रसिद्ध भगत होए हन। जयदेव जी ने अपनी उम्र दा बहुता हिस्सा बंगाल दे राजे बरलाल सेन दे पुत्र राजा लक्ष्मण सेन दे पास ही रह के गुजारिया सी। लक्ष्मण सेन दी राजधानी नदिया शहर सी। नदिया पछम बंगाल दा एक ज़िला है। इस दा कुछ हिस्सा पूर्वी बंगाल विच चला गया। यह शहर बर्दवान तो पूर्व पासे रत्ता को उत्तर रुख 45 मीलां दी विथ ते है। ढाके तो 130 मील पछम वल। जयदेव जी दे दो शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज हन, एक गुजरी राग विच अते दूजा मारू राग विच। यह दोवें शब्द हिंदी अते प्राकृत दे मिलवे हन। ढाके तो गुरु नानक साहिब जी ने फरीदपुर नदिया आदिक दे रस्ते जगन्नाथपुरी का रुख किया। नदिया तो सतगुरु जी ने जयदेव जी दे दोवें शब्द प्राप्त कर ले। बंगाल दे हिंदुओं विच दुर्गा की पूजा बहुत प्रधान सी। हिंदू लोग दुर्गा नूं महिकासुर दैन ते मारन वाली मनदे हन। महक संस्कृत लफज है जिसका अर्थ है झोटा संडा, असुर का अर्थ है दैंत। गुरु नानक साहिब जी अपने मिथे प्रोग्राम अनुसार पिंड पिंड विच ठहर के उन्हां लोकां नूं दुर्गा की पूजा झोटे दे बलिदान आदिक वल्लों वरज के परमात्मा की भगती वल जोड़न दे यतन करते रहे। जयदेव जी भी इस दे विरुद्ध प्रचार करते रहे सन। बंगाली लोग दुर्गा पूजा का दिहाड़ा बड़ा पवित्र मनते हैं। यह त्यौहार चेत सुधी अष्टमी ते नौमी नूं मनाया जाता है। अप्रैल सन 1510 सी। कत्तक की मस्या नूं गुरु नानक साहिब जी आसाम के नगर गुहाटी विच सन, जिथे वाम मारगीए सती की योनी पीठ की पूजा करते सन। ईसवी सन अनुसार तदों तकरीबन 23 अक्टूबर 1509 सी। उत्थों कोहिमा मणिपुर इंफल सिलहट आदिक दे रस्ते आसाम पार करके सतगुरु जी बंगाल प्रांत विच पहुँचे। 450 मीलां का पेंडा सी। इतने नूं बंगालियां दा दुर्गा पूजा दा त्यौहार नेड़े आ रहा सी। बंगाल दे पिंडां विचों दी लंघदे होए पिंड पिंड विच अते नदिया बर्दवान बालेश्वर मेदिनीपुर आदिक शहरां विच सतगुरु जी ने लोकां नूं दुर्गा पूजा झोटे दा बलिदान आदिक वल्लों वरज के एक परमात्मा दी बंदगी अते खलकत दी सेवा वल प्रेरिया। मेदिनीपुर विच गुरु नानक साहिब जी का
गुरद्वारा साहिब मौजूद है। यह शहर अजकल रेल का स्टेशन है। खड़गपुर के नेड़े कलकत्ते तो 50 मील पछम पासे मेदिनीपुर शहर तो 250 मीलों की विथ से भद्रकाली का मंदिर है। मेदिनीपुर तो जगन्नाथपुरी दक्षण पछम पासे 200 मीलों उत्ते है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।